Hello everyone, I'm Harpreet Singh from Amritsar, a professional wedding photographer. Today I will talk about my Z6 camera. Before this Z6, I was a user of Nikon D750. The journey with this camera till now is amazing. सबसे बड़ी बात तो एक mirrorless body है और बहुत ही compact बनाई है company ने and this is very easy to use for everyone. इसके बाद अगर advantages की और बात करते हैं तो इसके सबसे बड़ी जो advantage मुझे लगती है वो है इसका 55mm का Z mount. इसके साथ हमें जो पिक्चर्स की शार्पनेस है जो अल्ट्रा कलर है का पिक्चर्स के वो बहुत ही निकल के ऊपर के आते हैं निकल के आते हैं. इसके बाद इसका जो एक एडवांटेजेस और बहुत बड़ी चीज़ है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक रिवाइंडर. इसकी मदद से हम लोग इसके आउटपुट को पहले से देख सकते हैं कि वो हमारा एक्सपोजर अप जा रहा है या डाउन जा रहा है. तो ये बहुत बड़ा फीचर है इस बार इसकी चीज़ का. और इसके साथ साथ कंपनी ने हमें एक FTZ अडेप्टर दिया है. कंपनी ने इसके अडेप्टर देके हमारे जो पुराने DSLR के लेंसेज थे उनको वेस्ट नहीं होने दिया. FTZ अडेप्टर के साथ हम लोग अपने पुराने जब लेंसेज यूज करते हैं तो वो बहुत बढ़िया वर्क करते हैं. और इस कैमरे की अगर एक बात देखी जाए तो ये लो लाइट बॉडी में कंडीशन में काम करने के लिए बहुत ही परफेक्ट बॉडी बनाई है कंपनी ने. ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस चीज़ की. और इसकी जो कलर टोन है इसकी वो बहुत शार्प एंड नेचुरल है. इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके और वीडियो फीचर्स की तो वीडियो फीचर में कंपनी ने एक बहुत बढ़िया चीज़ दी है. इस कैमरे में इनबिल्ट 5x स्टेबलाइजर दिया है उन्होंने. 5x स्टेबलाइजर की मदद से हम लोग जब वीडियो करते हैं तो उसमें शेकिंग बहुत कम हो जाती है. वो हमें एक गिम्बल का काम देते हैं. तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस छोटे से गैजेट में बहुत से फीचर कंपनी इस बार हमें दिए हैं तो हम लोगों को इसको यूज जरूर करना चाहिए. मेरा सबसे अनुरोध यही है कि आप लोग जी सीरीज के कैमरे को एक बार यूज करो और ट्राई करो. Stay home, stay safe. Thanks Nikon for this gadget.